चलो अभी मैं निकल रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे एक कजिन के रिलेटिव्स है, उनके घर पे बैग वगैरह रख दिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के माहूर में रेणुका देवी मंदिर देवी शक्ति को समर्पित महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। माहूर को भगवान परशुराम की माँ हिंदू देवी रेणुका का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ कई मंदिरों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रामगढ़ किले के साथ देखा जा सकता है। यह जगह किनवाट तालुका में है और यह नांदेड़ शहर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि देवगिरी के एक यादव राजा ने लगभग 800 से 900 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया था। माहूर उन 3.5 तीर्थ स्थलों में से है जिनमें 3.5 देवियां निवास करती हैं, जिनका महाराष्ट्र राज्य में बड़ा महत्व है। अन्य तीन क्रमशः कोल्हापुर, तुलजापुर और सप्तशृंगी और माहूर आधे हैं, क्योंकि यह केवल देवी का प्रमुख है जो दिखाई देता है। माहूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। सभी तीन महत्वपूर्ण मंदिर रेणुका मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर और अनुस्या मंदिर तीन पर्वत श्रृंखलाओं पर बने हैं। माहूर पेड़ों और जंगली जीवन से समृद्ध जंगलों से घिरा हुआ है। चलो बाइक यहाँ पे है और सिर्फ यहाँ पे पूजा का देना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि मंदिर से अगर जूते चप्पल चोरी हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं राइडिंग शूज लाने वाला था, वो अगर चोरी हो जाता तो फिर बड़ा खर्चा बैठ जाता मुझे। चलो ये अभी थोड़ा पूजा का सामान लिया है और मैं अभी चढ़ रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे सारा मार्केट आपको मिल जाएगा, इवन यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो लोग आपको ऊपर तक लेके भी जाते हैं। सो ये भी वहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे चप्पल स्टैंड है। रेणुका कुबज देश के राजा रेणु की पुत्री और ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। जब राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने निवास में जमदग्नि के दर्शन किए तो उन्हें ऋषि के आतिथ्य से आश्चर्य हुआ। पूछने ऋषि ने उसे बताया कि यह सब कामधेनु के कारण है जो दी गई मालिक की इच्छाओं को पूरा करती है। यह सोचकर कि अगर कामधेनु उनके अधिकार में थी तो वह अपनी विशाल सेना को आसानी से बनाए रख सकेगा, राजा सहस्त्रार्जुन ने ऋषि द्वारा कामधेनु को दूर से जब्त करने की कोशिश की। जब कामधेनु को उसे सौंपने के उनके अनुरोध को ऋषि ने ठुकरा दिया। हाथापाई में ऋषि की मृत्यु हो गई और राजा के हाथों 21 घावों के कारण उनकी पत्नी रेणुका घायल हो गई। इस मौके पर कई सैनिक कामधेनु के शरीर से दिव्य जादू के द्वारा प्रकट हुए और राजा को पीछे हटने के लिए उकसाया। उपरोक्त घटना के बारे में पता चलने पर जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने राजा को 21 बार पराजित करने और दंड देने की कसम खाई। उनकी मां ने उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। उनकी मां सती हो गई। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय ने किया था। हालांकि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद परशुराम दुःख से त्रस्त हो गए थे और इस समय स्वर्ग से एक आवाज ने उन्हें बताया कि उनकी मां पृथ्वी से बाहर आएगी। देवी रेणुकामा देवी की भूमिका निभाती हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए बीमारियों का इलाज करने और मवेशियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हर साल दशहरे के दिन रेणुका देवी के सम्मान में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है।
माहुर में घूमने के लिए आसपास के कई आकर्षण हैं, जैसे रेणुका मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, अनुस्या मंदिर, देव देवेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, सर्वतीर्थ, मातृतीर्थ, पांडव लेनी, महागढ़ किला, महाकाली मंदिर, माहुर संग्रहालय, सोनपीर दरगाह, शेख फरीद वाटरफॉल, राजे उदर्म का महल। माहुर आने वाले लोग अंकेश्वर भी जाते हैं, जिसमें गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं। इस सल्फर युक्त पानी का औषधीय महत्व है। यहाँ आने वाले भक्तों को तांबुल, जिसे कूटा हुआ मसाला पान कहते हैं, भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। चलो, हो गया दर्शन, एंड आई विल बी लिविंग फॉर पांडरकड और नाउ। थोड़ा नीचे जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, कुछ नाश्ता करूंगा और उसके बाद फिर पांडरकड़ा।